मैं सुलेखा अरफात, मैं अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन 65 ड्राई वाला। वैसे ग्रेवी है ना, मैंने मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो अभी ये जो है ना, फिलहाल मैं जो लहसुन है ना उसे मैं बारीक काट रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक प्याज छुंदा काट ली है और समझी ना थोड़ी सी अदरक, उसको भी मैं बारीक काट लूंगी। मैंने कोई हिसाब नहीं लिया है, आप देख सकते हैं छोटा सा अदरक है और कुछ लहसुन है, क्योंकि मैं चम्मच मतलब टीस्पून के हिसाब से डालने वाली हूँ, ठीक है ना। तो क्विकली मैं ये काटती हूँ, उसके बाद हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो ये हो गया सारा, इसे मैं निकालकर एक प्याले में डाल देती हूँ। इसी तरीके से बारीक बारीक मैं अदरक को भी काट लेती हूँ। आपको जैसा जमे, जैसा कर्ज काट सकते हो आप, वैसा बारीक काटिए। तो चलिए, ये मैंने काट लिया है, बारीक कट चुका है। जैसे आप देख सकते हैं लहसुन कट चुका है बारीक और प्याज कट चुकी है। क्विकली किचन में जाते हैं, बढ़िया सा मजेदार सा चिकन 65 ड्राई झटपट बनाकर। चलिए, ये है आधा किलो चिकन बोनलेस। इसकी मैंने चर्बी निकाल ली है और ये आप देख सकते हैं मीडियम पीसेस की है, हल्के मीडियम से बड़े भी हैं। और इसकी मैंने चर्बी निकाल के दो तीन पानी से धो के नितारने 10-12 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अब एक बाउल में डाल दीजिए। वैसे ये मैंने है ना थाई पोर्शन लिया है, आप चाहें तो ब्रेस्ट पोर्शन भी ले सकते हैं। इसमें डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार, एक छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वैसे अगर आपका ज़्यादा स्पाइसी हो कम डालिएगा, आधा छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आप चाहें तो 3/4 भी डाल सकते हैं, और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, दो छोटे चाय के चम्मच विनेगर, आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं, एक छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस और दो छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटे चाय का चम्मच रेड चिली सॉस भी डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून चावल का आटा, आपके पास नहीं हो तो ये डाल दीजिएगा मैदा, और 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाल देती हूँ। आप चाहे तो चारों 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च डाल दें, और आप चाहे तो 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च कहते हैं वो डाल दें और 2 टेबलस्पून मैदा डाल दें, बट मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाला है और 1 टेबलस्पून चावल का आटा डाला है। अब इसमें 1 अंडा फोड़कर डाल दीजिए, हल्का सा फूड कलर डाल दीजिए, ये ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को मिक्स कर साइड पर रख दीजिए मैरिनेट करने के लिए आधे 1 घंटे के लिए, आपके पास जितना समय हो उतने टाइम के लिए। चलिए, 1 घंटा हो चुका है, कढ़ाई के अंदर खूब सारा तेल डालिए, फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। जब अच्छा गर्म हो जाता है चूल्हा मीडियम कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक एक करके वेल कोट करे हुए चिकन के पीस डालिए। एक साथ ज़्यादा मत डालिएगा, कम डालें, 6-7 एट अ टाइम डालें, मीडियम आँच पर फ्राई करें, उलट पलट करते जाएँ, तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इन्हें मीडियम आँच पर पकने दें। जब 6-7 मिनट हो जाएंगे तो अंदर से तो पक ही जाएंगे और बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएंगे। जब 6-7 मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर साइड पर रख दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्राई कर लीजिए 6-7 मिनट तक और गोल्डन ब्राउन हुए तो निकाल लीजिए, बैचेस में फ्राई करिएगा, ये याद रखना है आपने। तो ये देखिए, बढ़िया से गर्मा गर्म चिकन के पकोड़े बन चुके हैं, इसी टाइम पे सारे करवा जाएंगे। उससे पहले मैं ये बना लूं इसकी थोड़ी सी सॉस टाइप, और ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से बन गए हैं, और क्विकली अब मैं बनाती हूँ सॉस। चलिए, अब एक कढ़ाई को चालू कर दीजिए फास्ट आंच पर, और उसके अंदर जो हमने अभी तेल जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था उसके 2-3 बड़े चम्मच डाल दीजिए, और इसके अंदर डाल दीजिए 3-4 सूखी हुई लाल मिर्ची, मिक्स कर लीजिए एक बार, और उसके साथ साथ डाल दीजिए थोड़े से कड़ी पत्ते और 2 से 3 हरी मिर्चियों को मैं स्लिट मार के डाल रही हूँ। आप चाहें तो मोटा मोटा काट के डाल सकते हैं, आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और इसे थोड़ी देर के लिए 8-10 सेकंड के लिए फ्राई कीजिए। जब 8-10 सेकंड हो जाते हैं तो ये जो कड़ी पत्ते और हरी मिर्चियाँ हैं ना, ये मैं निकाल लेती हूँ, और 2 सूखी लाल मिर्ची भी निकाल लेती हूँ, 2 रहने देती हूँ।
चूल्हा मैंने स्लो कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है पतीली, आप देख सकते हैं। जीरा डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच, जब वो तरतरा जाए तो यहाँ डाल दीजिए 2 से 2.5 छोटे चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन और 1 छोटे चाय का चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक। इसे भी मिक्स कीजिए और 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। आप चाहें तो मीडियम आंच भी कर सकते हैं अगर आपकी नॉन स्टिक हो तो, मेरी स्टील की है जल जाएगी इसके लिए मैंने स्लो रखा है। अब डाल दीजिए बारीक कटी हुई 1 प्याज, छुंदा प्याज जो हमने साइड पर रखी है, इसे भी मिक्स कीजिए। थोड़े से कड़ी पत्ते और एक्स्ट्रा डालिए, ये वो वाले नहीं हैं, ये फ्रेश वाले कड़ी पत्ते हैं, वो जो हमने फ्राई किए और निकाल लिए वो साइड पर रखे हमने प्रेजेंटेशन के लिए। और इसे आप तकरीबन 1 मिनट तक या जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज तब तक उसे आप फ्राई कीजिए। जब कच्ची पक्की हो जाती है प्याज चूल्हा कर दीजिए बंद। चलिए थोड़े सॉसेज और मसाले डाल देते हैं। तो यहाँ पर चूल्हा बंद है, इसमें डाल दीजिए 1/2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर। 3 टेबलस्पून भरकर टमाटर सॉस डाल दीजिए और 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस डाल दीजिए। वैसे मैं सादा वाला डाल रही हूँ, अगर आपके पास गार्लिक चिली सॉस है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप वो डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस डाला है क्योंकि मेरा डार्क है, अगर आपका लाइट वाला हो तो 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा। यहाँ पर 150 ग्राम्स दही मैंने फेंट के रखी है, ये सारी डाल दीजिए और अब चूल्हा चालू कर दीजिए। चलिए चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। दही को बहुत अच्छे से मिक्स करते रहना है, कंटिन्यूस मिक्स कीजिएगा सो दैट जो दही है ना वो फटे ना, राइट। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इन बिटवीन मैं चीज़ें भी डालती जाती हूँ, नमक डाल देती हूँ क्योंकि हमने नमक बराबर से डाला ही नहीं। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए, हल्का सा फूड कलर तंदूरी का डाल रही हूँ रेड वाला, आपने नहीं डालना है तो मत डालिएगा, रेस्टोरेंट्स में डालते हैं। कंटिन्यूस मिक्स करते जाइए और तकरीबन 3-4 मिनट तक इसे पकने दीजिए। अच्छा मैं थोड़ा सा तेल मुझे कम लगा तो मैंने साइड से तेल ले लिया जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। अब आप नमक वगैरह चख लें, अगर आपको कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1/4 छोटे चाय का चम्मच सिरका, मिक्स कीजिए सिरका डालने के बाद और चख लीजिए। फिर अगर आपको लगे और सिरका डालने जैसा तो थोड़ा सा और डाल दीजिए, मुझे हल्का सा कम लगा मैंने अभी चखा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। मतलब तकरीबन मैंने टोटल ना 3/4 छोटे चाय के चम्मच के दरमियान डाला है, तकरीबन 3/4 डाला होगा छोटे चाय का चम्मच। आप चाहें तो 1 टीस्पून जितना डाल सकते हैं, बट पहले थोड़ा डालिए फिर मिक्स कीजिए चखिए और फिर थोड़ा डालिए। ज़्यादा खट्टा होगा तो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन खट्टा होना चाहिए, हल्का सा फ्लेवर हल्का आना चाहिए। चलिए 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए तेल ऊपर आ चुका था, तो उसके बाद ये जो हमने चिकन बनाकर रखी थी फ्राई करी हुई वो डालकर मीडियम आंच रहने दीजिए और इसे टॉस कीजिए, बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए और आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए उसकी उतनी कंसिस्टेंसी रखिए और चूल्हा बंद कर दीजिए। मुझे ये बराबर लग रही है और वेल कोट हो जाती है, मैंने 1-2 हरी मिर्चियाँ जो साइड पर रखी थी वो भी डाल दी और इसे मिक्स कर वेल कोट मुझे लग रहा है तो मैं चूल्हा कर देती हूँ बंद। चलिए 2-3 मिनट मैंने इसे टॉस किया और ये आप देख सकते हैं अच्छी मेरी ग्रेवी थिकी है और चिकन को चिटकी हुई है, तो मैं यहाँ चूल्हा कर दी हूँ बंद और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोलकर एक बाउल में निकाल लेती हूँ, सर्विंग बाउल में। और जब आप पूरा निकाल लें ये इसके ऊपर डाल दीजिए जो हमने साइड पर रखा था कड़ी पत्ते फ्राई करे हुए और हरी मिर्चियाँ फ्राई करी हुई और ये जो लाल सूखी मिर्ची फ्राई करी हुई और ये सारा चम्मच की मदद से जो तेल भी है वो भी सारा इसके ऊपर डाल दें और इसे गर्मा गर्म सर्व करें। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं अभी चख के देख लेती हूँ कैसा बना है, मैं आपको भी बता देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बढ़िया, मजा आ जाएगा आप तो खा के, और ट्रस्ट मी कोई भी खाएगा तो सच्ची में उंगलियां चाटता रह जाएगा इस बार। और ये हो गई हमारी आज की, ये देखिए, तो ये हो गई हमारी आज की कौन सी रेसिपी, चिकन 65 ड्राई। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना है, और हाँ अगर आप बनाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा तो आपको लगी कैसी और आपने बनाया तो आपको टेस्ट कैसा लगा, ठीक है ना। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, एंजॉय चिकन 65 ग्रेवी नहीं सॉरी चिकन 65 ड्राई।